फ्रेंड्स, ये प्लान चुका बन चुका था हमारा रायरेश्वर फोर्ट जाने का। इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि पापा को ट्रैक के लिए जाना था, मम्मी को टेम्पल जाना था, भाई को बारिश में भीगना नहीं था, ज़्यादा ट्रैक नहीं करना था, तो इसलिए हमने प्लान किया कि टेम्पल भी जाएंगे, ट्रैक भी करेंगे और थोड़ा सा घूमेंगे भी। हमारी थोड़ी मस्ती चल रही थी पापा के साथ, भाई के साथ और मम्मी के साथ। मम्मी ने मुझे एक चश्मा दिया था जो पहन के वो चाहती थी कि मैं फ़ोटो निकालूँ। और पापा इधर गाड़ी में बैठे बैठे जैसे कि साफ़ सफाई कर रहे थे कि ये चीज़ें जो अननेसेसरी चीज़ें वो निकाल रहे थे, क्योंकि गाड़ी में बैठ बैठ के आगे के दो जो ड्राइवर थे भैया और पापा दोनों बोर हो रहे थे और पीछे मम्मी की और मेरी मस्ती चालू थी। फ़ोटोज़ और वीडियो निकाल के हम एंजॉय कर रहे थे, लेकिन आगे जो दो लोग बैठे थे उनको बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था, तो पापा बैठे बैठे ड्रॉवर वगैरह पूरा खोल के उसमें से सफाई कर रहे थे और साथ साथ में भैया कार चला रहा था और पीछे से हम उनको छेड़ रहे थे। जाते वक्त बहुत ही शानदार नज़ारा रहा। दोनों साइड से जो बनियान ट्री होते हैं, बरगद के पेड़ होते हैं, उन्होंने पूरा रास्ता कवर कर चुका था और बहुत ही शानदार और बढ़िया नज़ारा था और वो मैंने अच्छे से कैप्चर किया हुआ है। ये आता है थोड़ा सा, आप भोर साइड जाएंगे, भोर के पहले वाई साइड उधर आ जाएंगे और यहाँ पे हम वाई के एक गणपति है, ढोला गणपति बोल के है, वाई का बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद साइड में ऐसे बहती हुई नदी है, बिल्कुल नदी के साइड में ही गणपति का, गणेश जी का मंदिर है और यहाँ पे बहुत ही क्लीन था वो जो एरिया था और बहुत ही फेमस है वाई का ये जो गणपति है, ढोला गणपति बोलते हैं इसे, वो बहुत फेमस है। और ऐसे ही थोड़ा सा आपको पीछे का एरिया दिखाता हूँ, इस साइड में नदी है और नदी के साइड में ही ये थोड़ा सा इस साइड, मेरे पीछे मम्मी जा रही है, डिस्टर्ब कर रही है वीडियो को, और यहाँ पे भैया गिर गया था और उसको उठाने के लिए मम्मी चली गई थी। अच्छा हुआ कि जो फ़ोन था फ़ोन बच गया, क्योंकि मम्मी को नया फ़ोन लेके दिया था और उसी का फ़ोटो निकालने के लिए, उसी फ़ोन से फ़ोटो निकालने के लिए भैया गया था और वो वहाँ पे स्लिपर होने के कारण गिर गया था और पापा साइड से मज़े देख रहे थे। फिर हम निकल चुके थे रायरेश्वर और वहाँ पे रोड मालूम नहीं था, एक को पूछा था तो उन्होंने ये रोड बताया जो ढोम डैम के डोर के साइड से ही जाता था और वहाँ बहुत ही पानी हुआ था। हम सब लोग डर गए थे कि अभी इस पानी से कार जाएगी या नहीं, लेकिन इतना पानी नहीं था, कार अच्छे से चली गई। तो मैंने मेरा मोबाइल लिया और थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की। बहुत ही अच्छा नज़ारा था। केंजागढ़ के पीछे के साइड से हम जा रहे थे क्योंकि हम धोम से आ रहे थे, तो उधर ही एक जगह पे रुके थे। एक साइड पे ये सामने आपको दिख जाएगा, वो सामने दिख रहा है वो केंजागढ़ है, केंजागढ़ के पीछे के साइड से वहाँ पे थोड़ा सा हमने फ़ोटोज़ निकाले क्योंकि बहुत ही अच्छा फॉग था। देन हम रायरेश्वर के बेस पे पहुँच गए, ये सामने आपको रायरेश्वर दिख रहा होगा और ऊपर सब फॉग ही फॉग है। और वहाँ से फिर मम्मी थोड़ी सी ज़्यादा आगे चली गई थी क्योंकि उनको टाइम लगता है, इसलिए वो बोले कि मैं जाती हूँ आगे, आप लोग अच्छे से तैयार होके फिर आ जाना। तो मम्मी ऊपर चली गई थी और फिर हमने भी ट्रैक स्टार्ट किया और बीच बीच में जहाँ जहाँ पे थोड़ा सी थकान आती है वहाँ पे फ़ोटोज़ का एक्सक्यूज़ निकालते निकालते मम्मी और पापा आगे आगे बढ़ रहे थे। बहुत ही शानदार उधर का जो सीन था बहुत ही अच्छा था क्योंकि फॉग था, हवा में थोड़ा सा ठंडाई थी। और ये जो ट्रैक है रायरेश्वर का बहुत ही छोटा ट्रैक है, मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा आपको पैरों से चलते हुए जाने के लिए। और यहाँ पे हमारी मम्मी बहुत नौटंकी करती है तो इसलिए कैप गॉगल सब कुछ पहन के लड़की फ़ोटोज़ निकालने की कोशिश कर रही थी।
रायरेश्वर पे ताक छाछ दही मिलता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा ऐसे बाहर का मत लीजिए, जहाँ पे आप खाना खाने के लिए जाते तो हैं भाई इतना वहाँ नहीं, का थोड़ा सा अगर तो टेस्टी ना रहता है। खाना मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर दे दूँगा, अगर आपको कुछ खाना है, खाना खाना है, नहीं तो कुछ स्नैक्स खाने हैं, नाश्ता करना है, तो उनके पास वो है उपमा शीरा, उसके साथ साथ सब खाना भी मिलता है। खाने का फ़ोटो या फिर वीडियो आपको आगे दिखाता हूँ। ये एक्चुअली प्लेटू है, इनको फोर्ट नहीं बोल सकते हम, प्लेटू बोलते हैं इसको, रायरेश्वर प्लेटू। और रायरेश्वर प्लेटू में क्या क्या देखने के लिए चीज़ें हैं, एक तो ये पानी के टाँका है, जहाँ से जो नंदी दिख रहा है, नंदी के मुँह से पानी आ रहा है, वहाँ से पानी आता है, वो बहुत ही साफ पानी था, उसमें मछलियाँ भी थी बहुत सारे, और ऑब्वियसली मछलियाँ होगी तो पानी भी थोड़ा सा साफ होता है। देन ये देखने के बाद हम यहाँ से चलते चलते, थोड़ा सा कीचड़ भी था, थोड़ा सा चलते चलते आगे फिर हम गए रायरेश्वर टेम्पल, जो आपको सामने दिख रहा है। इसका महत्व ये है कि शिवाजी महाराज जो है उन्होंने स्वराज्य स्थापन करने के लिए जो प्रतिज्ञा ली थी, वो इस सामने वाले मंदिर में ली थी। यहाँ पे ये जो रायरेश्वर प्लेटू है, उसके ऊपर वैरायटीज़ ऑफ फ्लावर्स आपको मिल जाएंगे, उसका बोर्ड था पीछे। और ये जो मंदिर जो मैं बोल रहा हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य स्थापने की जो शपथ ली थी, वो उसी मंदिर में ली गई थी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है हिस्टोरिकली। और उधर का जो नज़ारा था बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि इतना नेचुरल जो एयर है, ब्रीद हम नहीं करते हैं, क्योंकि सिटी में इतना पोल्यूशन होता है कि हम अच्छे से ब्रीद नहीं कर पाते, और पोल्यूशन वाला हम सांस लेते हैं। और यहाँ पे जो मूर्तियाँ बनी हुई है छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये तो अभी नई बनी है लेफ्ट साइड की, और पुरानी जो थी, मैं जो लास्ट टाइम आया था, वो सिर्फ राइट साइड वाली ही थी। इस प्लेटू के ऊपर पूरा एक गांव है, तकरीबन 600 लोग होंगे इस गांव में। और फिर ये दर्शन करने के बाद हम जा रहे थे खाना खाने, और इस कीचड़ वाले रास्ते से, बहुत ही कीचड़ था क्योंकि बारिश हो चुकी थी, और स्लीपरी था, कीचड़ था, और उसमें से ही हम चल रहे थे क्योंकि भूख भी लग रही थी। तो इनको आदत नहीं थी घर वालों को, फिर भी उन्होंने अच्छा खासा ट्रैक किया है, वीडियो कोई करते को नहीं गिरा बोला नहीं ना सिवाय एक आदमी के, ये जो हंस रहा है वही भाई आदमी है। देन हम उधर उनके कल्चर घर में सीख खाना लो। खाने के लिए चले गए। खाने का वो लेते हैं 150 रुपीज़ पर प्लेट, लेकिन आप मेरा नाम बताओगे या फिर ट्रैक रेंजर्स नहीं तो विशाल का नाम बताओगे, तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, मैं उनको बोल देता हूँ। इधर प्यारा सा पपी था एक, वो एग्जाम बहुत देने शरारत कर रहा था। देन खाने में इतनी सारी चीज़ थी, नाचनी सी भाकरी, पापड़, भिंडी, देन सलाद थे, सब्जी थी। फिर हम रिटर्न आ रहे थे, रिटर्न आते आते जो कीचड़ में हमारे शूज़ गंदे हो चुके थे, तो वो शूज़ वैसे ही गंदे लेके आगे हम बढ़ रहे थे, और आगे बढ़ते बढ़ते थोड़ा सा पानी मिल गया। तो जो ट्रैक नहीं करते उनकी आदत होती है कि चलो साफ़ सफाई कर लेते थोड़ा सा, तो बीच में रुके ये मम्मी और भैया, वो जूते थोड़े से साफ़ कर रहे थे और फिर आगे निकल चुके थे। फिर अभी खाना भी हो गया था, शूज़ भी अच्छे हो गए थे, तो इसलिए खुशी आ रही थी, थोड़ा सा रिलैक्स हो गए थे और बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि बहुत दिन से उनको कहाँ बाहर नहीं गए थे वो लोग, तो बहुत खुश हो गए थे सब लोग कि बहुत दिनों बाद पूरी फैमिली, क्योंकि अक्सर हम 4 लोग साथ में मिलते नहीं है, और भैया मुंबई होता है और मैं पुणे से होता हूँ, तो बहुत बार ऐसे होता है कि वो मिस करते हैं हम दोनों को भी, लेकिन जब आते हैं तो आने बहुत खुश होते हैं। फिर हम निकलते हैं, नीचे उतर रहे थे, नीचे उतरते समय ए वाले जो सीढ़िया है, ये सीढ़िया है जो आयरन की है। देन उसके बाद हम जाते हैं नागेश्वर मंदिर, वहाँ से थोड़ा सा ही पास में है, 17 किलोमीटर होगा। घाट उतरने के बाद ये आपको मंदिर मिल जाएगा, वहाँ पे शंभू जी की ये है, शंभू जी है, और उसके शंभू जी के लिंग के ऊपर ऐसे शेषनाग जैसा है, ये है, तो उधर मंदिर है नागेश्वर मंदिर बोल के, जो मंदिर बोल रहा था ये मंदिर है। तो फिर हम वहाँ चले गए,
और वहाँ पे ये तीनों ने दर्शन ले लिया। दर्शन होने के बाद हम निकल चुके हैं फिर से सस्पेंशन ब्रिज, जो बहुत फेमस है, पुराना है। वहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा, कभी आए तो आ जाना यहाँ पे। ये है सस्पेंशन ब्रिज, जो आपको पसंद आएगा फ़ोटोज़ के लिए, वीडियोस के लिए बहुत ही अच्छा। यहाँ से नीचे से पानी जाता है, आप देख सकते हो, और पूरा आयरन का है, बंधा हुआ है पूरे तार से। देन उसके बाद हम गए नेकलेस पॉइंट, जो बहुत फेमस है। तो यहाँ पे आने के बाद एक अलग से खुशी थी और थोड़ी शांत थे सब लोग। पता नहीं थोड़ी सी थकान थी या क्या थे, लेकिन सब लोग एंजॉय कर रहे थे व्यू ये नेकलेस पॉइंट पे। और पापा को सेल्फी निकालने के लिए बिल्कुल भी नहीं आती, फिर भी सेल्फी निकालने की बहुत कोशिश करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और सैटरडे संडे होने के कारण वो भीड़ थी। देन घर लौटते वक्त एक हमें वीर डैम लगता है, लोनन के थोड़े से पीछे है, तो वीर डैम के पास फिर से हम आ गए, क्योंकि मम्मी को फ़ोटोज़ निकालना इतना अच्छा लगता है कि बार बार फ़ोटोज़ निकालते बोलती रहती है। तो अब बाहर आए तो यानी हम हर जगह पे जाके उधर फ़ोटोज़ और वीडियो निकालने की मैंने कोशिश की। और ये जो वीर डैम है, ये हमारे इधर से नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, नियरली 40-45 किलोमीटर्स होगा। और रिटर्न आते वक्त हम वे डैम पे कुछ वक्त स्पेंड किया। आज की ट्रिप कैसी रही? कंधा पेड़ कंधा पेड़ जान दो, ट्रिप कैसी रही आज की? कंधा पेड़ा काय घेऊन टाइम लेफ्ट नहीं करने का।